थंबनेल देखकर आप लोगों के मन में यही आया होगा कि आज फिर से ये तुरई की सब्जी लेकर आ गई। तो मैं पहले ही बता दूं कि आज की जो ये वीडियो है ये रेसिपी कम और कहानी ज़्यादा है। जब भी मैं तुरई की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत सारी कहानियाँ याद आती हैं और उनमें से आज वाली कहानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा पसंदीदा है मेरी। तो आज की इस वीडियो में मैं उस सब्ज़ी को आपके सामने डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। डिपिक्ट मतलब अपने शब्दों के माध्यम से चित्रण करना, यानी आपके सामने वो छवि आ जाएगी कि कैसी सब्ज़ी हुआ करती होगी वो। तो ये कहानी शुरू होती है 2006-07 के आसपास। उन दिनों मैं एक प्राइवेट जॉब किया करती थी दिल्ली में। प्लेस था वसंत विहार और वहाँ मेरे ऑफिस में एक मेरी कलीग थी जिसका नाम था प्रियंका। तो वो ना हफ्ते में एक दो बार मिनिमम ये सब्ज़ी ज़रूर लेके आती थी और उसकी ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी ना कि उसको देखकर मुझे हर रोज़ खाने का मन करता था। लेकिन मैं थोड़ी झिझक रखती थी इसलिए मैं उसके डब्बे में से कभी खाती नहीं थी। हालांकि हम साथ में लंच करते थे, मैं अपनी सब्ज़ी भी उसको ऑफ़र किया करती थी जो अलग अलग तरीके की हुआ करती थी। और उन दिनों मैं मिर्ची भी खाया करती थी काफ़ी ज़्यादा। मिर्ची कम मैंने शादी के बाद किया है। तो मेरी भी सब्ज़ी अच्छी होती थी पर उसकी वो सब्ज़ी मेरी नज़रों में यूं बसी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। तो आज की जो सब्ज़ी है मैं बना रही हूँ ऑलमोस्ट सेम तरीके से। थोड़ा सा मिर्ची कम होगा क्योंकि ज़्यादा मिर्ची डाल दूँगी तो मेरे बच्चे और पति नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो पिछली रेसिपी आप लोगों ने देखी होगी तो मैं बता दूँ कि उस सब्ज़ी और इस सब्ज़ी में तीन अंतर हैं। पहला अंतर ये है कि उसको जब मैंने पील ऑफ किया था ना तो मैंने उसको चाकू से हल्का हल्का खरोचा था उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को रिटेन करने के लिए। और आज की जो रेसिपी है उसमें मैंने पीलर लेके अच्छे से इसको सारे छिलके उतार दिए हैं। तो उसका जो जो हार्श वाला जो होता है पार्ट वो पूरी तरह से हटा दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा पोर्शन मिस हो जाता है खासकर जब आपका ये तुरई या जो भी अपने नुआ और घेरा जो भी बोलते हों उसकी सब्ज़ी है। बाकी मैंने जो मैरिनेट किया था आज मैंने मैरिनेट नहीं किया है क्योंकि मैं उस सब्ज़ी को जो देखा करती थी ना उस सब्ज़ी को ही बनाना चाह रही हूँ। तो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट इसी तरीके से बनती होगी वो सब्ज़ी। रेसिपी आप लोग ऑलमोस्ट जानते हैं और नहीं तो जो पिछली रेसिपी है उसको आप एक बार और फिर से देख लीजिएगा, दैट्स अ रिक्वेस्ट। तो ऑलमोस्ट सेम वीडियो है ये। कहानी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो उस टाइम उसकी नई नई शादी हुई थी, पंजाबी थी और उसका जो लुक था बहुत ही प्यारा। छोटी सी थी, काफ़ी कम हाइट की, मेरे से भी छोटी, मेरी भी हाइट काफ़ी कम ही है। और हाथों में चूड़ा और पटियाला सलवार सूट पहना करती थी वो और यूं झूमते हुए आती थी ऑफिस में। और उन दिनों मुझे सिंगर का नाम नहीं याद है, वो गाना मैं तब से ढूंढ रही हूँ कि वो गाना कौन सा है। उन दिनों सुना भी करती थी पर आजकल वो गाना सुनाई नहीं देता। तो उस गाने की बस दो लाइन याद है जो वो गुनगुनाया करती थी हमेशा, फोटो तेरी जेब में छिपाई फिरंदा, फोटो तेरी जेब में छिपाई फिरंदा। ये कोई पॉप सॉन्ग हुआ करता था शायद, बादशाह, हनी सिंह, आई डोंट नो, 2007 के आसपास जो भी सिंगर गाते होंगे। तो ये वाला गाना वो हमेशा गुनगुनाती थी और बहुत खुश रहती थी। और उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी तो काफ़ी बाद में हुई है, पर उसका ये खुशनुमा व्यक्तित्व और साथ में वो तुरई की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। उस सब्ज़ी का लुक मैं अब आपको बताती हूँ कि वो सब्ज़ी ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखती थी। उसमें थोड़ा सा जो लाल कलर है ना वो प्रोमिनेंट होता था और ऊपर में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ऑयल उसके पांच सात ऊपर मिनट में बना हो होता जाएगा। था। तो उसको देखकर कोई हेल्दी या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा जो जिसको नेगलेक्टेड सब्ज़ी मानते हैं, जैसा मैंने देखा है अपने आसपास, अपने जहाँ भी मैंने उसके बाद काम किया है या फिर जहाँ भी मैं रहती थी, कि लौकी और तुरई को लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं वेन एवर इट कम्स टू जो भी टेस्टी या फिर जीव को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली सब्ज़ी की बात हो। तो वो सब्ज़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी इसीलिए वही सब्ज़ी मैंने बनाने की कोशिश की है। मैंने पिछली बार जो मैरिनेट डाला था वो नहीं डाला है। चने की दाल से जब भी मैं पानी निकालती हूँ या कोई भी दाल भिगोती हूँ ना तो उसका जो पानी है मैं गार्डन में लाके ज़रूर डालती हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड होम फर्टिलाइज़र। और मुझे वो जो सब्ज़ी है उसकी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अभी हम। तो उसको देख कर ना मुझे बस इतनी सी फीलिंग आती थी कि हाउ हैप्पी शी इज़ इन हर लाइफ। और बीइंग अ गर्ल
मैं सोचती थी कि वाओ मैरिड लाइफ कैसी होती थी, अब देख सकते हैं मैंने लुक जो दिया है अभी सब्ज़ी का ऑलमोस्ट मिलता जुलता था उसी से, और मैंने उस सब्ज़ी को और रेडिश लुक दिखाने के लिए थोड़ा सा फिल्टर का भी यूज़ किया था ताकि आप फील कर सकें उस सब्ज़ी को। और अब मेरी लंच की भी पैकिंग हो गई है। रही बात कहानी की, तो कहानी आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। क्या आप लोगों की लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है या ये चीज़ बहुत बुरी है? जब भी हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं ना, तो उनके चेहरे पे या उनकी पर्सनालिटी, जिसको काउंटेनेंस बोलते हैं लिटरेरी वर्ड में, तो जो भी उनके चेहरे से झलकता है ना, उसको देखकर हम एक छवि बना लेते हैं उस पर्टिकुलर फेज़ ऑफ लाइफ की। और मैरिड लाइफ को लेकर मेरी कुछ ऐसी ही सोच हुआ करती थी जब भी मैं उसको देखती थी। तो ये थी मेरी कहानी, और ये थी तुरई की सब्ज़ी। तुरई की सब्ज़ी आप लोग भी बनाएं। ये शुगु के पापा से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें, तो ऐसे ये झूम झूम कर दिखा रहे हैं और ये थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, बट ही लव्स दिस सब्ज़ी वेरी मच। घिया और तुरई बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनको, तो मैं भी तुरई को आज जो बनाई हूँ ये बिल्कुल उसी वाले स्टाइल में, जहाँ हेल्थ का थोड़ा सा कम ख्याल रखा है और जीव का ज़्यादा ख्याल रखा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तुरई को बहुत ही अच्छे से पील ऑफ किया था और उसको मैरिनेट ना करके नॉर्मल तड़का लगा के तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली थी, वो तेल का ऊपर आना वाला जो लुक होता है ना उसको लाने के लिए, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड किया था। तो ये थे वो तीन डिफरेंस जिसका मैंने चर्चा किया था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही स्पेशल प्लांट जो कि रिसेंटली मैंने अपने गार्डन में लगाया है उसके बारे में बताऊंगी। अगर आप गार्डनिंग के इंथुसियास्ट हैं मेरी तरह भी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीकेंड आई विल बी पोस्टिंग दैट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।